अगर आप लोग को वैम्पायर्स पसंद है तो ये पांच वैम्पायर मूवीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 5 पे ड्रैकुला अनटोल्ड, और ये मूवी व्लैड ड्रैकुला नाम के एक प्रिंस के बारे में है। और इस मूवी की शुरुआत में ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान व्लैड से 1000 लड़कों को अपनी आर्मी के लिए डिमांड करता है, तब अपने किंगडम ट्रांसिल्वेनिया को ऑटोमन एम्पायर के अटैक से बचाने के लिए पहले व्लैड एम्पायर के सोल्जर्स को मार देता है, और बाद में वो ब्रोकन टूथ माउंटेन्स में किसी टाइप की पावर को ढूंढने के लिए चला जाता है। और व्लैड को ब्रोकन टूथ माउंटेन्स में एक वैम्पायर मिलता है जो व्लैड को अपने खून से भरा हुआ एक वैसल देता है, और व्लैड को इस खून को पीने के लिए बोलता है, जिसे पीने के बाद व्लैड कुछ टाइम के लिए एक टेम्प्ररी वैम्पायर बन जाता है और उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स भी आ जाती हैं। पर व्लैड को वो वैम्पायर एक वार्निंग देता है कि अगर व्लैड 3 दिनों तक किसी इंसान का खून नहीं पिएगा तो वापस एक इंसान बन जाएगा, नहीं तो वो एक वैम्पायर ही रह जाएगा। अब आगे की मूवी व्लैड के अपने पावर्स की हेल्प से सुल्तान की फोर्सेस को हराने के बारे में है। फिर नंबर 4 पे है रेनफील्ड, और ये मूवी काउंट ड्रैकुला के फैमिलियर रेनफील्ड के बारे में है, जो अपने बॉस ड्रैकुला की गुलामी से तंग आकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे वो अपने बॉस के साथ के टॉक्सिक रिलेशन को उस मीटिंग में मौजूद लोगों के साथ शेयर करता है कि कैसे ड्रैकुला रेनफील्ड को किसी भी टाइम पे बुला लेता है, और रेनफील्ड ये भी बताता है कि उसे ड्रैकुला के लिए खून खराबे वाले काम भी करने पड़ते हैं। और आगे मूवी है जब रेनफील्ड एक कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है, तब उस शॉप पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रेनफील्ड के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स है जो उसके बग खाने के बाद एक्टिवेट हो जाती हैं, और इन्हीं पावर्स की हेल्प से रेनफील्ड उस शॉप के लोगों को बचा पाता है। और इस हादसे के दौरान उसकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जिसके साथ रेनफील्ड अपने सारे सीक्रेट शेयर करता है। अब आगे की मूवी रेनफील्ड और उसके मास्टर काउंट ड्रैकुला के रिलेशन को एक्सप्लोर करती है। अब नंबर 3 पे है डे शिफ्ट, और ये मूवी बड नाम के पूल क्लीनर के बारे में है, जो लॉस एंजलिस में पूल क्लीनिंग के साथ साथ लोगों के घर में जाकर उस घर के ईविल वैम्पायर्स को भी हंट करता है। और वैम्पायर्स को मानना बट के वर्ल्ड में एक बिजनेस है, जिसे यूनियन नाम की एक एंटिटी हैंडल करती है, और बट जैसे वैम्पायर हंटर्स को वैम्पायर्स के दांतों के बदले यूनियन एक सही रेट पर पैसे भी देती है, और इसलिए बट अपनी हर किल के बाद वैम्पायर्स के मुँह से दांत निकाल के उन्हें पैसे के लिए बेच देता है। पर बट की प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब उसे यूनियन से निकाल दिया जाता है, और इसके बाद उसके पैसे भी खत्म होने लगते हैं, और इसी के कारण उसकी एक्स वाइफ और बेटी उसे छोड़कर शिफ्ट हो रहे होते हैं। और अपनी बेटी के लिए बट यूनियन में वापस आने की कोशिश करता है, और यूनियन उसे डे शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। इस मूवी में आपको फास्ट पेस एक्शन के साथ खून खराबे वाले सीन भी देखने को मिलेंगे। फिर नंबर 2 पे है वैन हेल्सिंग, और ये मूवी वैम्पायर हंटर वैन हेल्सिंग के बारे में, जो होली ऑर्डर के लिए मॉन्स्टर्स से लड़ता है। और एक दिन होली ऑर्डर हेल्सिंग को काउंट ड्रैकुला को मारने के लिए ट्रांसिल्वेनिया भेज देता है, जहाँ पे उसे ड्रैकुला और उसकी वाइफ से लड़ना होगा और एलेन और वेल्कन वेलेरियस को बचाना होगा। और ऑर्डर मिलने के बाद हेल्सिंग अपने साथी कार्ल के साथ ट्रांसिल्वेनिया पहुँच जाता है, तब उसे वहाँ पे ड्रैकुला की वाइफ्स मिलती हैं जो एना को मारने आई होती हैं, और उनसे फाइट के दौरान हेल्सिंग ड्रैकुला की एक वाइफ को मार देता है। अब आगे की मूवी है जब हेल्सिंग एना को बचा रहा होता है, तब उसे अपने पास्ट के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। ये मूवी अपने मॉन्स्टर्स के लिए बहुत फेमस है, और इस मूवी के मेन कैरेक्टर ह्यू जैकमैन है, जो वैन हेल्सिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। और फाइनली नंबर 1 पे ट्वाइलाइट, और ये मूवी बेला स्वान नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में है, जिसे एडवर्ड नाम का एक वैम्पायर उसके स्कूल में कार एक्सीडेंट से बचा लेता है। और इसके बाद बेला और एडवर्ड का रिलेशन चालू हो जाता है, जिसके दौरान बेला को एडवर्ड के बारे में और भी बातें पता चलती हैं, जो उसे एक सुपरनेचुरल वर्ल्ड की तरफ ले जाती हैं, जिसके बाद बेला और एडवर्ड एक दूसरे से और भी क्लोज आ जाते हैं। पर मूवी का ट्विस्ट तब आता है जब बेला के टाउन में मिस्टीरियस किलिंग्स होने लगती है, जिसे 3 अननोन वैम्पायर्स कर रहे होते हैं। और इन किलिंग्स के बाद जब ये वैम्पायर्स बेला से मिलते हैं, तब वो बेला को मारने की कोशिश करते हैं। अब आगे की मूवी बेला और एडवर्ड के रिलेशन और बेला के इन वैम्पायर्स से बचने के बारे में है। इस मूवी की मेन कैरेक्टर क्रिस्टियन स्टुअर्ट है, जो बेला का रोल प्ले कर रही हैं।